पुरानी पेंशन के सवाल पर विधानसभा से एक निराशाजनक सूचना सामने आई है, एक निराशाजनक जवाब सरकार की तरफ से सामने आया है, जहां पर सरकार ने पुरानी पेंशन देने बारे कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। जी हाँ, ये एक प्रश्न पूछा गया था हमारे माननीय विधायकों द्वारा, जिन्होंने सरकार से प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार जो है पुरानी पेंशन को लागू करने का विचार रखती है। तो इस पर जो जवाब सरकार की तरफ से आया है वो बहुत ही निराशाजनक है। जैसे आप पूछ रहे नीति के बारे में, उसमें आइए सारी बात आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आज प्रश्न पूछा गया था विधानसभा में। श्री मुकेश अग्निहोत्री हरोली जो विधायक है, श्री रामलाल ठाकुर, श्री नैना देवी जी के विधायक है, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो नदौन के विधायक है, और श्री जगत सिंह नेगी जो किन्नौर के विधायक है, इन्होंने विधानसभा में एक बार फिर से सरकार से प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो कारण भी बताइए। और अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि पुरानी पेंशन योजना को लागू होने पर सरकार को प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ेगी, विवरण दें, और गत 3 वर्षों में विभिन्न विभागों में कितनी नियुक्तियां की गई है, ब्यौरा विभाग भर दें। बहुत सारी चीजों का हमने नए सिरे से किया। तो इसके उत्तर में जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जवाब दिया गया है वो केवल इतना है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जी हाँ, ये एक तरह का किसी भी चीज़ को टालने का जवाब सभा पटल पर रखा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हर बार कोई ना कोई निराशाजनक बयान ही सामने आया है। जैसा कि कुछ दिन पहले शिक्षक महासंघ के एक समारोह में भी मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करना हिमाचल के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एनपीएस लागू हो चुकी है, पश्चिम बंगाल को छोड़कर किसी भी राज्य में पुरानी पेंशन लागू नहीं है, इसलिए अभी हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन देने के बारे में नहीं सोच रहा है। इस जवाब से कर्मचारी वर्ग जरूर निराश हुआ होगा, क्योंकि आने वाला समय जो है इलेक्शन का है और ऐसे समय में कर्मचारियों को निराश करना सरकार के लिए अच्छी बात नहीं होने वाली है।